अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा स्टार्टिंग से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन थोड़ा जरूरी होता है। कोई भी चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो स्टोरी होता है, मतलब बैकग्राउंड स्टोरी, कि इस चैप्टर्स कैसे स्टार्ट हुआ, क्या लॉजिक है चैप्टर्स का, मतलब क्या मीनिंग है, क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इस टाइप का कुछ आंसर मिल पाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले समझते हैं ऑर्गेनिक, इसका मतलब वर्ड का मीनिंग क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वर्ड का मीनिंग क्या है। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि द एक ग्रीक वर्ड एक्चुअली, तो इसका मतलब होता है ऑर्गन्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। यहाँ पे जो मीनिंग होता है, हाँ यहाँ पे जो ऑर्गेनिक है, यहाँ पर ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर से लिख दे रहे हैं ऑर्गेनिक, कलर चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा सा। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक द ऑर्गेनिक वर्ड परटेन, मतलब वही रेफर होता है टू द टू ऑर्गन्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक वर्ड परटेन टू ऑर्गन्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका मतलब सिंपल ही होता है ऑर्गन्स, मतलब वही पार्ट्स जो होता है ना बॉडी का पार्ट्स, तो एनिमल्स का, प्लांट्स का, ये मतलब इसका है मतलब मीनिंग। ऑर्गेनिक वर्ड रेफर टू द ऑर्गन्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, बस ऑर्गेनिक का मतलब यही मीनिंग होता है। इसका ग्रीक वर्ड ऑर्गन होता है और बोथ प्लांट एंड एनिमल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक ना। अगर कहीं पे कोई ये एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएगा, मतलब इस तरह ही बता रहे नॉलेज के लिए, तो इसी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन ड्राइव हुआ है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल, प्रोडक्ट ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गन्स, ऑर्गेनिक का क्या हो गया, ऑर्गन्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गया, इसका जो प्रोडक्ट होगा ना एनिमल एंड प्लांट्स का जो प्रोडक्ट होगा उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टडी ऑफ बोथ प्रोडक्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट, स्टडी ऑफ बोथ प्रोडक्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट, बस ये सिंपल दो सर टू लाइन का डिफिनेशन है। ये बहुत स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, मतलब बहुत सारे किताब में होता है अलग अलग डिफिनेशन, लेकिन ये बहुत मतलब मीनिंगफुल डिफिनेशन है, इसको मतलब समझ गए तो ये सही है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस समझने के लिए ये हम बता रहे हैं। ये दो डिफिनेशन याद रहना चाहिए, इसलिए ये डिफिनेशन है कि मतलब कोई आपसे कहीं पे कोई पूछ दे, मतलब आप बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कहीं कुछ बता रहे हैं ऐसे वैसे, ये कंपाउंड और कंपाउंड, कोई आपसे अचानक पूछ दे व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बोल सके ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ बोथ प्रोडक्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट, यही मतलब कहने का मतलब है। और व्हाट इज़ ऑर्गेनिक पूछ दे तो बोल सकते ना, ठीक है, ग्रीक वर्ड विच रेफर टू द ऑर्गन्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल, मतलब कैसे आप बना सकते हैं, बट कोई ऐसे नहीं करें कि यही दिस ऑर्गेनिक वर्ड परटेन टू ऑर्गन्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल, ऐसा मतलब नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीनिंग इज द ऑर्गन्स एंड इट इज़ ए ऑर्गन्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल ऐसे ही मतलब बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एनिमल एंड प्लांट लिखे हैं कैपिटल लेटर ए से स्टार्ट होगा, मतलब इस तरह कोई मतलब नहीं है, प्लांट एनिमल आप कुछ ही बोल सकते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए हमको लग रहा है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कि क्या होता है कि इनिशियली जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग, क्या पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे। हाँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हुआ है कि कोई भी कंपाउंड होता है, तो ऐसे ये कंपाउंड हुआ, ठीक है, कंपाउंड, तो कंपाउंड में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इसी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है कि इनिशियली जब मतलब स्टार्टिंग हो रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब स्टार्ट हो रहा था तो कोई भी कंपाउंड्स दो सोर्स से पाया जा रहा था, एक लिविंग सोर्स से हम लोग पाते थे कोई भी कंपाउंड्स को, एक नॉन लिविंग सोर्स से पाते थे कंपाउंड्स को। तो लिविंग सोर्स में क्या आता है, प्लांट एंड एनिमल आता है, प्लांट एंड एनिमल बॉडीज आता है, ठीक है। नॉन लिविंग मैटर्स में क्या आता है, रॉक्स एंड मिनरल्स बॉडी आता है, रॉक्स एंड मिनरल्स बोल सकते हैं, मतलब रॉक और मिनरल्स से हम लोग ये नॉन लिविंग हो गया। अब प्लांट एनिमल क्या होता है, लिविंग होता है, तो लिविंग से हम लोग जो ये लिविंग सोर्स से जो हम लोग पाते थे पहले जो भी कंपाउंड पाते थे उसको हम लोग बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो नॉन लिविंग सोर्स से हम लोग जो पाते थे यहाँ से पाते थे नॉन लिविंग सोर्स से उसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इतना तो क्लियर हो गया होगा।
मतलब ये सब इनिशियल अजम्पशंस हैं, बाद में कुछ कुछ मतलब बाद में चेंजेस हुआ है वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये इनिशियल अजम्पशंस है, इस तरह हम लोग इसको पाते हैं, ठीक है ना। लिविंग दो हम लोग इसको बस यही चीज़ याद रखना है कि दो सोर्स से हम लोग को कोई भी कंपाउंड मिलता है, एक लिविंग सोर्स से मिलता है, एक नॉन लिविंग सोर्स से मिलता है। और जो लिविंग सोर्स क्या होता है, प्लांट है, एनिमल्स होता है, और नॉन लिविंग सोर्स क्या होता है, रॉक एंड मिनरल्स होता है। और जो कंपाउंड्स क्या होता है, दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, वो लिविंग सोर्स से मिलता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग सोर्स से मिलता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग किसको बोलेंगे, द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को पूछे हम लोग क्या बोलेंगे, द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बात हम बता दिए हैं, और इसको हम आगे हम स्लाइड में लिखे भी हैं, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ पर अच्छे से लिख के समझाए हुए हैं। कंपाउंड क्या होता है, दो सोर्स से पाया जाता है, और डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन द ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। और जो लिविंग सोर्स से जो मिलता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, जो नॉन लिविंग सोर्स से मिलता है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो यही वो लिख लिखा हुआ है, कंपाउंड इज डिवाइडेड इन टू पार्ट डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन। मतलब ये ओरिजिन हो गया ना, लिविंग सोर्स से मिल रहा है तो ये लिविंग इसका ओरिजिन हो गया, नॉन लिविंग से मिल रहा है तो इसका ये ओरिजिन हो गया, मतलब नॉन लिविंग से ही निकल रहा है, तो नॉन लिविंग से जो निकल रहा है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं, और जो लिविंग सोर्स से निकल रहा है उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा, अगर दिक्कत होगा तो मैसेज कीजिएगा, हम बताएंगे, कमेंट कीजिएगा बताएंगे, ठीक है। तो कंपाउंड ठीक हो गया, अब इतना ही अच्छी याद रखना है, कंपाउंड क्या होता है, दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक होता है और इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। और जो लिविंग सोर्स से मिलता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, जो नॉन लिविंग सोर्स से मिलता है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम अभी तो डिफिनेशन बताए थे, हम इसको हम लिख भी दिए हैं, द कंपाउंड विच ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम डिफिनेशन लिख दिए हैं, द कंपाउंड विच वेयर डिराइव फ्रॉम द लिविंग सोर्स, या लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, लिविंग सोर्स बोल सकते हैं, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वेयर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड वेयर डिराइव फ्रॉम लिविंग सोर्स वेयर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये यहाँ वेयर लिखा है, मतलब समझा गया, मतलब वेयर मतलब पास्ट टेंस में आता है, मतलब जनरली पास्ट टेंस में रेफर कर रहा है, मतलब ये पहले बोला जाता था कि द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये कुछ में लॉजिक है इसलिए लिखा हुआ है, इसको हम बाद में बताएंगे, आगे आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बोलते हैं, द कंपाउंड विच वेयर ड्राइव फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्स आर कॉल्ड वेयर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर इस बात तो समझ में आ गया होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड समझना था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड समझना था, और ये लिविंग सोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड आया है, नॉन लिविंग सोर्स से इनऑर्गेनिक कंपाउंड आया है। अभी हम थोड़ा सा कुछ करते हैं, अभी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिफिनेशन समझ गए अच्छे से, अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे बर्जेलियस साइंटिस्ट, यहाँ पे एक थोड़ा सा अब चेंजेस आया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड समझ गया, बर्जेलियस साइंटिस्ट के बारे में कुछ कुछ बात हमें समझना है। क्या कि बर्जेलियस साइंटिस्ट था वो, मतलब पास्ट में था, बहुत साल पहले था, कि वो ऐसा सोचता था ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोग लिविंग सोर्स से मिलता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन लिविंग सोर्स से मिलता है, तो जो एक लिविंग सोर्स से मिलता है वो एक इसमें कुछ एक मिस्टीरियस फोर्स होता है, एक मिस्टीरियस कुछ मतलब फोर्स होता है, एक जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग सोर्स से ही मिलता है, और नॉन लिविंग से सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही मिलता है। मतलब वो इसका बताया, कारण बताया कि क्यों ऐसा होता है, तो बताया कि एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जिसको ये नाम दिया वाइटल फोर्स। ये वाइटल फोर्स होता है जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड से और इन मतलब लिविंग सोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, और नॉन लिविंग सोर्स से इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। ये वाइटल फोर्स है जो इसका रिस्पॉन्सिबल है कि हमें सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही मिलता है लिविंग सोर्स से, और लिविंग सोर्स से इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मिलता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमको चाहिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो नॉन लिविंग सोर्स का हमको यूज करना पड़ेगा। और इसके बाद ये बोला कि वाइटल फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल होता ही है, जिसके कारण हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में बनाने मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग सोर्स को हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं, मतलब नॉन लिविंग सोर्स को कुछ प्लांट या मतलब रॉक्स मिनरल्स को हम लोग लेबोरेटरी में यूज कर सकते हैं,
लेबोरेटरी में यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि हमको इनऑर्गेनिक सोर्स हो गया, तो हम लोग सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग को मिल सकता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल नहीं सकता है क्योंकि हम लोग तो उसको एनिमल्स को या प्लांट्स को तो यूज कर नहीं सकते हैं, वो तो लिविंग सोर्स होता है। इसलिए मतलब वो बताया कि आर्टिफिशियली, मतलब आर्टिफिशियली होता है ना कि ह्यूमन मेड, उसको आर्टिफिशियली बोला जाता है, इसलिए बोला कि आर्टिफिशियली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें एक वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे नॉलेज के बाहर है, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते, सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बताया एक बात, एक कॉन्सेप्ट दिया, मतलब लोगों को जानकारी में आया कि हाँ ऐसा कुछ बात है। बर्जेलियस साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, ये बात उसने बताया। तो बर्जेलियस साइंटिस्ट के बाद एक साइंटिस्ट आया, वोलर साइंटिस्ट। इसका भी हम यही जो चीज़ हम जो चीज़ बोले हैं वो चीज़ यहाँ पे स्लाइड में ये चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना कर लिख सकते हैं। तो अब एक बार हम पढ़ देते हैं ऐसे आप लोगों को कुछ सही, मतलब सही से लिख पाए, कुछ दिक्कत ना, वर्ड मीनिंग समझने के लिए। बर्जेलियस इज ए साइंटिस्ट हु थिंक दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर एलिमेंट बाय लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम द लॉ गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो लॉ होता है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है वो डिफरेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनता है, जो लॉ जो उसके लिए है, जो बनने का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का उसमें डिफरेंस होता है। तो दिस लेड हिम बिलीव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर एलिमेंट बाय अ मिस्टीरियस फोर्स दैट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स है इस कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। दैट्स वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसिस या प्रिफेयर आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी। अब इतना क्लियर हो गया, इसको आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बनने का। तो ये इसका, ये इसने थ्योरी दिया, ये बात बताया। अब इसका भी इसमें एक, इसको लोग आगे चल के कुछ समय के बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया, हुलर साइंटिस्ट आया। होलर मतलब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत होगा, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आपको दिक्कत आता होगा, थोड़ा सा मेरा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं है तो समझ लीजिएगा, तो बात समझ जाइएगा। तो बर्जेलियस से बात होलर आया जो इसको रॉन्ग साबित कर दिया। बर्जेलियस जो बोल रहा था कि लिविंग सोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, यहाँ देखो होलर साइंटिस्ट आया, बर्जेलियस का टाइम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद होलर साइंटिस्ट आया तो उसने क्या किया, जो बताया था बर्जेलियस उसको गलत साबित कर दिया। गलत साबित कर दिया इसका मतलब बर्जेलियस बोल रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग सोर्स से मिल सकता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नॉन लिविंग सोर्स से मिल सकता है। लेकिन क्या किया, हुलर आया और उसने, वो भी साइंटिस्ट था, वो आके क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नॉन लिविंग सोर्स से बना दिया। कहने का मतलब समझ रहे हैं, पहले क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग सोर्स से मिल रहा था और नॉन लिविंग सोर्स से इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा था। लेकिन उसके आने के बाद यहाँ पे जो उसने आया, यहाँ पे लिख देते हैं, वो आया और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से लेता है, यहाँ पे नॉन लिविंग सोर्स को यूज किया, नॉन लिविंग सोर्स यूज किया और इससे बना दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो आया और नॉन लिविंग सोर्स को यूज किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो इससे क्या हो गया, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग सोर्स से मिलता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग सोर्स से मिलता है, लेकिन हुलर साइंटिस्ट आया और नॉन लिविंग सोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो इससे क्या पता चला कि बर्जेलियस जो बोला वो गलत था, यानी जो बर्जेलियस का जो मिथ था, मतलब जो सोचा था वो तो मिथ ही हो गया ना, उसका जो मिथ था वो ख़त्म हो गया जब हुलर आया और ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग सोर्स से बना दिया। ठीक है, वही चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसने पहला कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया उसके बारे में पढ़ना है। हुलर आया, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, कौन सा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो नॉन लिविंग सोर्स से बना। लिविंग सोर्स से तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आ ही रहा था, बन ही रहा था, मिलता ही था, और लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, मतलब नॉन लिविंग सोर्स से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया वो कौन सा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो नॉन लिविंग सोर्स से बना, जो हुलर बनाया था। ठीक है, हुलर साइंटिस्ट बनाया था। हुलर का स्पेलिंग देख सकते हैं, WOHLER, हुलर साइंटिस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसने कैसे बनाया, क्या स्टेप था, कौन सा कंपाउंड लिया, जो कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और किस प्रोसीजर से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया, वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, इसके बारे में समझना है। ये इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, कहीं पे ये क्वेश्चन पूछा सकता है। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो नॉन लिविंग सोर्स से बना। तो ये सब कुछ समझना पड़ेगा, अब ये सब चीज़ हम आपको समझाएंगे।
और ये सब चीज़ कोई आपको कोचिंग में, किसी कोचिंग में मतलब उतना बताता नहीं, ये बताता है फर्स्ट और इनका पार्ट बताता है, लेकिन ये लिविंग सोर्स नॉन लिविंग सोर्स ये इतना डिटेल्स नहीं बताता है। देखो आपको सब कुछ ऐसे से लिख के बता रहे हैं, ठीक है। द मिथ कंटिन्यू टिल होलर कन्वर्टेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट टू ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूरिया था हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया में कन्वर्ट कर दिया था। उसने क्या किया, अमोनियम साइनेट को लिया और उसको रिएक्शंस करवाया और यूरिया उसको मिला। तो जैसे क्या पता चला, यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मतलब वो इनऑर्गेनिक सोर्स से, ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग सोर्स से आया होगा, अमोनियम साइनेट तो नॉन लिविंग सोर्स से आया होगा। यहाँ पे नॉन लिविंग सोर्स से क्या आया, अमोनियम साइनेट आया, ठीक है, अमोनियम साइनेट आया। इस अमोनियम साइनेट को उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया में बदल दिया। तो इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ याद रखना है, यूरिया मतलब क्या है, हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये किससे बना था, अमोनियम साइनेट से बना था। कौन बनाया था, होलर साइंटिस्ट बनाया था। ये सब कुछ बात पॉइंट रिमेंबर करने वाला है, कहीं भी कुछ भी जगह पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन जो बता रहे हैं ना, यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मतलब कितने जनरल, मतलब IIT वाला तो है ही बात, उसका दूसरा है, कितने सारे मतलब जनरल जैसे IAS का जो तैयारी करते हैं ना, UPSC का जो तैयारी करते हैं, NDA का तैयारी करते हैं, NDA, अब बहुत सारे लोग जानते होंगे NDA का एग्ज़ाम, SSC का एग्ज़ाम, बहुत सारे जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम होते हैं ना, जिसमें ऑफिसर वगैरह का जॉब होता है, उसमें मतलब ये पूछ देते हैं कभी कभी, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या था जो नॉन लिविंग सोर्स से बना, तो यूरिया था। किससे बना, अमोनियम साइनेट से बना। कौन बनाया था, होलर साइंटिस्ट बनाया था। ये देखो इतना सारा क्वेश्चन इसमें निकल गया, ठीक है। अब जो चीज़ बात बोल रहे हैं ना, ये अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स में इसे लिख लीजिए, ठीक है। हम जो यहाँ पर लिखे हैं इसको भी लिख लीजिए, अच्छा लगता है, और खुद से भी अपने से लिख लीजिए। अब पोज करके वीडियो को देख रहे होंगे तो पोज करके अच्छे से आप लिख सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। सब बात तो क्लियर क्लियर समझा ही दे रहे हैं आप, हम लिख दिए हैं प्रेजेंटेशन के लिए कि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीन्स लिख दिया है अच्छे से और क्लियर करने के लिए, होलर फाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया विच इज प्रीवियसली यूज टू फाउंड फ्रॉम लिविंग सोर्स, ही फाउंड इट फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्स अमोनियम साइनेट। मतलब नॉन लिविंग सोर्स का नहीं मतलब अमोनियम साइनेट, नॉन लिविंग सोर्स से आया अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट से उसने यूरिया फाउंड किया। तो यूरिया पहले कहाँ से मिलता था, पहले लिविंग सोर्स से ही मिलता था, कि यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, तो नॉन लिविंग सोर्स से ही मिलता था। यूरिया हर जगह पाया जाता है, आप लोग पढ़ेंगे तो मतलब समझ जाएंगे कहाँ कहाँ पर यूरिया यूरिया मिलता है। अब इंटरनेट में सर्च करना कहाँ कहाँ और यूरिया प्रेजेंट रहता है, समझ जाएगा, ठीक है। अब बैकग्राउंड स्टोरी बारे में कुछ बताते हैं कि होलर जो साइंटिस्ट आया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो यूरिया बनाया, लेकिन एक्चुअली यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा कुछ बनाना नहीं चाहता था। ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपना लेबोरेटरी में, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो ऐसा नहीं था कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फाइंड करने के लिए कर रहा था, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये मतलब बनाना चाहता था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऐसा कुछ ये करना नहीं चाहता था। मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और अचानक इससे एक यूरिया बन गया, मतलब वो कुछ बना कुछ और रहा था और बन गया यूरिया। तो उससे ये देखा, अरे यार इतनी यूरिया बन गया, तो उसको लगा यार तो इनऑर्गेनिक सोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, तो उसको लगा यार तो हम जो करना चाहते हैं उससे भी कुछ बड़ा चीज़ हो गया। तो इसके कारण ये यूरिया पिक्चर्स में आया, मतलब ऐसा कि बैकग्राउंड स्टोरी, होलर वो फाइंड मतलब उसे सर्च नहीं कर रहा था, उसे बना नहीं रहा था यूरिया, तो उससे यूरिया बन गया लेबोरेटरी में, ये मिस्टेक से बन गया, मतलब एक्सीडेंटली ये बन गया, बस यही चीज़। ये कहीं पूछता नहीं है, बस इसी तरह थोड़ा सा नॉलेज के लिए है, ये कोई एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कहीं पे कुछ बताने के लिए होता है, जिसे हम बता रहे हैं इसे बताने के लिए ये वाला चीज़ है। होलर डिड नॉट ट्राई टू फाउंड यूरिया, यूरिया वॉज फाउंड बाई होलर इन ए लेबोरेटरी बाय एन एक्सीडेंट, एक्चुअली ही वॉज डूइंग सम अदर एक्सपेरिमेंट, कुछ और कर रहा था लेकिन वो यूरिया उसको मिल गया, बस ये था। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिससे उसको यूरिया मिल गया। देखो एक्सपेरिमेंट ये था, कितना अच्छा से हम यहाँ पर लिख के समझाएं, वो ऐसा है ना, यही जो ये वाला जो हम लिखे हैं ना, ये जो यहाँ पे फिर से पेन लेना पड़ेगा, यहाँ पे जो हम यहाँ पे लिखे हैं ना एक्सपेरिमेंट जो लिखे हैं, अमोनियम सल्फेट लिखे हैं, पोटेशियम साइनेट लिखे हैं, यहाँ पे यूरिया लिखे हैं, ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है। बहुत जगह हम किताब में पढ़े हैं तो हम देखे हैं कि कुछ कुछ अलग अलग कंपाउंड लिखे एक्सपेरिमेंट को दिखाया गया कि इसके थ्रू यूरिया बना, लेकिन वो सब गलत है। हम तीन तरह का देखे हैं किताब में, तीन तरह का आपको भी शायद मिल जाता, आपको लगा लगेगा कि यहाँ पे कुछ गलत बताया गया है, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि नहीं, ये ओरिजिनल चीज़ है, यही ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट है, कहीं पे एग्ज़ाम में आएगा, ये बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है,
ये रिएक्शन पूछ चुका है, इस रिएक्शंस को पूछा है कि लिखने के लिए कैसे यूरिया बना, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे अमोनियम सल्फेट से पोटेशियम साइनाइड को मिक्स किया, अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। इसमें पोटेशियम साइनाइड यूज किया 2KCNO, इसमें अमोनियम साइनाइड बना, इससे अमोनियम साइनाइड बना और एक साइड प्रोडक्ट बना K2SO4Ca। इसमें अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला होता है NH4CNO, ठीक है, ये याद रखना है। ये सब क्या क्या मतलब पोटेशियम साइनाइड, ये सब याद रखना है, ठीक है। और बैलेंसिंग भी थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है कि बैलेंसिंग से क्या होता है, थोड़ा सा लगता है यहाँ आपको कुछ आता है, ठीक है। तो इससे क्या बन गया, अमोनियम साइनाइड बना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसको अमोनियम साइनाइड बना, ये साइड प्रोडक्ट उसने छोड़ दिया। ऐसे अमोनियम साइनाइड को उसने हीट करवाया, हीट प्रोवाइड किया, इसको इसने हीट दिया है यहाँ पे, इसको यहाँ पे ऐसे हीट दिया। अमोनियम साइनाइड को किसी मतलब किसी बेकर में रख के या किसी बर्तन में रख के उसने इसको हीट प्रोवाइड किया, अमोनियम साइनाइड को हीट प्रोवाइड किया, तो इसमें कुछ रिअरेंजमेंट हो गया। इसमें रिअरेंजमेंट होने के बाद क्या बन गया, यूरिया बन गया, NH2CO NH2। तो इस तरह ये सिंपल लिखा हुआ है, इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्म में थोड़ा दिखा रहा है अच्छे से जानने के लिए कि मतलब इस तरह मतलब होता है यूरिया। इसमें वही चीज़ें, यही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, NH2 सिंगल बाउंड C डबल बाउंड O सिंगल बाउंड NH2, इसको हम लोग बोलते हैं यूरिया। यही हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इसको फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स, ठीक है। मतलब इस तरह लिख दिए, मतलब एक्चुअली इतना ही बात खत्म हो गया था। तो जान ही गए यूरिया होता है वो और नॉन लिविंग सोर्स से पाया गया, अमोनियम सल्फेट इसमें यूज हुआ था जो जिसको पोटेशियम साइनाइड के साथ मिक्स किया गया, और उसके बाद एक रिएक्शंस हुआ जिसके रिएक्शंस के बाद अमोनियम साइनाइड बना, अमोनियम साइनाइड को हीट प्रोवाइड किया गया, तो उसमें कुछ रिअरेंजमेंट हो गया, रिअरेंजमेंट होने के बाद यूरिया बन गया, तो अमोनियम साइनाइड से यूरिया बन गया। तो हमारा जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो अमोनियम सल्फेट पोटेशियम साइनाइड यूज किया गया और जिससे यूरिया हमारा बन गया। बस यहीं पे एक्सपेरिमेंट था जो हुलर किया था यूरिया को बनाने के लिए, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट एग्जाम में आ सकता है, इसको कुछ याद करने लेने के लिए पूछा जा सकता है, ये एक्सपेरिमेंट लिखना पड़ेगा लाइन बाय लाइन, हमको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह अच्छे से हम यहाँ पर लिखे, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब क्या हुआ, हुलर तो फाउंड किया, हुलर तो फाउंड किया यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्स। उसके बाद क्या, बहुत सारा साइंटिस्ट आया, उसके बाद बहुत सारा साइंटिस्ट आया कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उसने बना दिया फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स से, नॉन लिविंग सोर्स को यूज किया, बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया उसके बाद। तो ये मतलब उसके बाद बहुत सारा बन गया, मतलब गिनती नहीं रह गया कितना सारा बना। तो उसके बाद क्या, एक दो का हम बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि जनरली यूज हुआ किताब में यूज हुआ, तो उसमें शायद क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसिटिक एसिड को किसने फाउंड किया। तो एसिटिक एसिड को भी नॉन लिविंग सोर्स से बनाया गया, कॉल्प्स था, कॉल्प्स एक साइंटिस्ट था, ये कॉल्प्स एक साइंटिस्ट था जो 1845 में एसिटिक एसिड बनाया फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्स। इसी तरह मीथेन को बनाया बर्थोलेट एक साइंटिस्ट था जो 1846 में, 1846 में बर्थोलेट जो साइंटिस्ट था इसने भी बना दिया मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए, तो सबका लिखेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट है जिससे मतलब एग्जाम में जो आ सकता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कोई पूछ सकता है, तो यहाँ तक बता दिए, इससे ज़्यादा कुछ भी एग्जाम में, कोई एग्जाम में कहीं भी कुछ भी नहीं पूछ सकता है, ये मतलब लास्ट हो गया, ठीक है। अब सब कुछ समझ में आ गया, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कैसे कैसे नेमिंग हुआ, और कॉमन नेमिंग होता है, IUPAC नेमिंग होता है, कॉमन नेमिंग के बारे में समझेंगे, IUPAC नेमिंग के बारे में समझेंगे। ये IUPAC नेमिंग के बेसिस पे चैप्टर्स का नाम रखा गया IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। यहाँ से हम लोग नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से।